अगर आप एस के किसी भी मॉड्यूल को लर्न कर रहे हैं या एस के किसी फंक्शनल मॉड्यूल या टेक्निकल मॉड्यूल में जाना चाहते हैं चाहे वो एस हो एमएम MM हो पीपी हो एबैप हो हाना, पीपी पी एम कोई भी मॉड्यूल हो अगर आप एज ए फ्रेशर या एज एक्सपीरियंस जाना चाहते हैं तो आपको एस कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए एस कंपनी हर साल फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस को हायर करती है तो अगर आप भी एस में एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है पूरा वीडियो जरूर देखना तो एस कंपनी का हायरिंग प्रोसेस सिक्स स्टेप्स में कंप्लीट होता है नंबर वन एप्लीकेशन प्रोसेस नंबर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर थ्री प्री स्क्रीनिंग कॉल्स नंबर फोर एस एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर फाइव हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू नंबर सिक्स एच मैनेजर इंटरव्यू तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से जो की है एप्लीकेशन प्रोसेस एस के किसी भी मॉड्यूल पर अप्लाई करने के लिए आप अपनी स्किल के हिसाब से मल्टीपल जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं एस की वेबसाइट पर और जॉब अप्लाई करने की कोई भी लिमिट नहीं है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप अपना रेज्यूमे एक जॉब के लिए भेजें तो उसमें एक कवर लेटर जरूर होना चाहिए नंबर टू पॉइंट है एस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप एस में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वर्ड में कहीं से भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपका कवर लेटर जरूर होना चाहिए जिसमें आपको अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में लिखना होगा आप एस की वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपका रेज्यूमे एक या दो पेज का ही होना चाहिए दो पेज से ज्यादा लंबा आपका रेज्यूमे नहीं होना चाहिए नंबर थ्री है एस प्री स्क्रीनिंग कॉल्स तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वहां पर रिक्रूटर उसको रिव्यू करता है अगर आपका रेज्यूमे उसे सही लगता है तब आपके पास कॉल आती है रिक्रूटर की जो स्क्रीन करता है आपको और यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, करता है।, इसमें सबसे में चीज़ है कि आपको अपनी इंग्लिश कैसे आप बोल रहे हैं किस तरह से आप आंसर कर रहे हैं इन चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तभी आप इस प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे क्योंकि इस प्रोसेस में सक्सेसफुली सेलेक्ट होने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन को हायरिंग मैनेजर के पास आगे के प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा और ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट प्रोसेस रिटर्न टेस्ट होगा या साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट पे आ जाते हैं जो की नेक्स्ट राउंड है आपका रिज्यूमिंग रिक्रूटर से शॉर्टलिस्ट होने के बाद नेक्स्ट राउंड में जाता है जो की तीन तरह से होता है, one, two, three, आ जाते है आपकी कम्प्रेहेंशन को टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज में दिए गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको आंसर करना होता है यस नो या कैन नॉट से हो सकता है मतलब तीन ऑप्शन होते हैं यस yes, No, say. अगर आप वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इंटरनेट से फ्री में वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे एस एपी एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आ जाता है न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट आपकी इंटरप्रेट एनालिसिस और कंफ्यूज निकालने की एबिलिटी को चेक करता है इस टेस्ट में कैलकुलेशन वर्ड प्रॉब्लम डेटा इंटरप्रिटेशन एस्टिमेशन नंबर सीक्व होता है और इनको आप एनालिसिस करके एंसर देना होता है ऐसे पी एप्टीट टेस्ट में

का इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर लेते हैं उसके बाद आप एचआर मैनेजर राउंड में आते हैं इसमें आपसे

जिस एस के मॉड्यूल पर जाना चाहते हैं उसमें अच्छे से ट्रेनिंग और कोर्स करने के बाद एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाकर ही अप्लाई करें आप मल्टीपल जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एज ए फ्रेशर हैं और आपको जीरो या वन ईयर तक के एक्सपीरियंस की जॉब दिखती है तो भी उसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप एज ए फ्रेशर सक्सेस हो जाते हैं तो आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है और इस हिसाब से आपके इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को और न्यूमेरिकल रीजनिंग को जरूर लर्न करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें आता है और ये मोस्टली बड़ी एम में इस तरह के टेस्ट होते ही है इसी के साथ साथ अगर आप एज फ्रेशर जॉब नहीं पा पाते हैं तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस जरूर ले लें कहीं न कहीं ना से एक या दो साल का उसके बाद SAP में अप्लाई करें ये एक मल्टीनेशनल कंपनी और वर्ल्ड की टॉप बेस्ट कंपनी है अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाती है तो आज का वीडियो यहीं तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो मिलता हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू